जैसे ही हाल में एंटर हूँ तो हाल की लुक काफी चेंज हो गई भी है। तो हाल की खत्म होते यहाँ से एंटी का रूम फर्स्ट में है वो स्टार्ट हो जाता है। लो जी इधर अपने दुम्बा साहब नहाया कर रहे हैं ये वीर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज संडे है, छुट्टी का दिन है और मौसम बड़ा प्यारा है। आज ना देखिए फुल क्लाउडी वेदर है, बारिश जो है बस होने ही वाली है। मुझे तो लगता है कि इर्द गिर्द कहीं बारिश हो रही है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और ये बहुत खुश आइंद है कि तीन चार दिन बहुत शदीद जो है वो गर्मी रही है, तो आज मौसम जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। तो मैंने मौके को गनीमत जाना और गाड़ी निकाली और मैं चल दिया बच्चों को लेने के लिए ससुराल। वो 10-12 दिन से वहीं पे हैं। मेरा कुछ दिल भी उदास हो गया था और कुछ 3-4 दिन बाद ईद भी है, तो मैंने कहा एक तो छुट्टी है और मौसम भी बहुत अच्छा है तो जाके ले आता हूँ। मीराल फातिमा कौन आया है? बाबा ही है। बाबा को पारी कर दो। बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। अम्मा घर जाना, अम्मा घर। वाह कौन लाया? वो इल्हा के बाबा। अच्छा इल्हा के बाबा आ गए हैं और भी उन्होंने बताया ही नहीं ना आपने बताया। अंदर टूटा हुआ सेट है, मैंने जोड़ना है। अच्छा चलो घर जाके करना, अभी ऐसे ही रख लो। फाइनली ये 10-12 दिन के बाद हस्बैंड को देख के खुशी नहीं मान हैं? इतना मिस किया मुझे। वीडियो पे आ रहा वो मुझे व्लॉग बनाना भी आज अजीब लग रहा है इतने गैप के बाद। भूल गई हो? तो चलें जी रेडी हो चुके हैं, अभी मगरिब का टाइम होने वाला है तो मैंने कहा अंधेरा छाने से पहले पहले हम लोग निकल जाते हैं, चूँकि मौसम भी थोड़ा क्लाउडी है और रास्ता भी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो इट्स बेटर लीव नाउ। तो फिर मिलते हैं आपसे। मीराल बहुत खुश है। बच्चे बड़े खुश हैं। अबीर का एरोप्लेन। तो फाइनली वी आर बैक टू होम आफ्टर 13 डेज। तो 13 दिन के बाद वापस अपने ही घर। जाहिर सी बात है कहीं भी चले जाना पड़ता है, ससुराल का घर ही अपना घर हो जाता है। तो आज तो बहुत ज्यादा बिजी डे गुजरा क्योंकि इतने दिनों के बाद घर आके कमरा दरहम बरहम वादल ने किया हुआ था, तो कपड़े समेटे फिर कपड़ों को प्रेस करके रखा। तो घर आके मुझे घर ना थोड़ा सा देखने में चेंजिंग मिली है घर में। मैं हाल की टाइल्स तो मेरे होते हुए ही लग चुकी थी, तो सीढ़ियाँ और आंटी का रूम था, आंटी का प्लान बन गया कि मैं अपने रूम में भी लगवा लूँ टाइल। तो आंटी ने अपना रूम चेंज किया हुआ था तो घर काफ़ी निखरा निखरा मुझे नज़र आया। जैसे ही हाल में एंटर हूँ तो हाल की लुक काफ़ी चेंज हो गई भी है। कंप्लीट नहीं थी जब मैं यहाँ थी, तो मेरे आने के बाद कंप्लीट हुई, तो स्टेयर्स पे भी कंप्लीट हो चुकी है। दरअसल घर वो चीज़ है कि आप जितना काम करवाते जाएं निकलता जाता है, घर कभी मुकम्मल नहीं होते। तो हाल की ख़त्म होते यहाँ से एंटी का रूम फर्स्ट में है वो स्टार्ट हो जाता है, तो ये टाइल मेरे पीछे से लगी है, मतलब मैं यहाँ नहीं थी जब भी। तो मुझे बड़ा अच्छा इसका ना ये डिज़ाइन, इसका प्रिंट, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये लाइट कलर है तो रूम जो है बड़ा बड़ा लग रहा है। तो अभी एंटी कह रहे थे सोफे की कोशिश भी मैं दे रही हूँ, उन्होंने अपना सारा रूम चेंज करना है। आप रह गई हो, बाप ने अपने रूम में कौन सी लगवानी है? नहीं मेरा ना सामान निकाल के फिर 2 दिन जलील होने को ना दिल नहीं करता, इसलिए मैंने कहा मेरे कमरे में रहने दे। अगर कोई फैसिलिटेट कर दे तो ये वाली टाइल मुझे पसंद है, हम ये लगवाएंगे। ठीक है अभी नहीं। चलें जब भी लगवाएं। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, तो इस वजह से मैं मान नहीं रही है। बस हमारा रूम रह गया, बाकी सारा जो है ना वो बाकी इनकी सीलिंग देखे कितनी खूबसूरत है, और जो है ना ये पैनलिंग भी 2 कलर्स में है, और ये कर्टन्स और ये टाइल और बेड भी इन्होंने मैचिंग की है। हाँ। बेड भी चेंज किया है। अब बस सोफे रह गए, ये सुबह होपफुली जाएंगे कोशिश के लिए। अम्मी लोगों का रूम तो बिल्कुल नया हो गया, ऐसे जैसे सुबह सुबह नमाज पढ़ के लाहौर से लाए हैं। दोस्त को भी इतना सन। मीराल की बारी है। ओए 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 मीराल की बारी है।
बकरा बेटा हमने दुम्बा लिया हुआ है इतना प्यारा, मैंने तो देखा ही नहीं। हवेली में है? अभी चलो हवेली चलते हैं देखने। लो जी इधर अपने दुम्बा साहब नहाया कर रहे हैं। ये है वीर ये माशाल्लाह माशाल्लाह काफी हेल्दी है, लेकिन ये पानी में जो है ना पानी लगने से ऐसे लग रहा है जैसे श्रिंक हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह जी सेवा हो रही। क्या बेटा चक्की वाला दुम्बा? बेटा ये सुन्नत है, यही सबसे पहले जब सबसे हजरत इस्माइल हाँ ये जन्नत से आया था दुम्बा, तो इसकी कुर्बानी करना सुन्नत है। अबीर आपको अच्छा लगा? ये जब सूखेगा ना ये और प्यारा हो जाएगा। आओ अरम लोगों का बकरा देखें, ये देखो कितने ज्यादा बकरे। अरम ये आप लोगों का है? और वो पीछे वाला अच्छा ये काशिफ का है, ये आसफ का है, और वो जो है ना हमारे लोगों का सही चचा का। और जाहद का जो बैल है वो कहाँ पे है? अभी ये बैल भी है, ये जाहद ने लिया मारदा जे ओए टांग मारता है पीछे जो। अच्छा ये जाहद कल्ले दा के? अच्छा अच्छा माशाल्लाह ते देख लिया बेटा आपने खुश ये खून नहीं है, रंग लगाया हुआ था इसको, रंग लगाया हुआ था ना यहाँ की है उसने तो वो रंग उतर रहा। जी दोस्तों आपने कुर्बानी के जानवर देखे, अल्लाह पाक से दुआ है कि सबकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, आपको मिलते हैं ईद वीलॉग्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।